शेयर मार्केट के एक और जानकार सेबी की गिरफ्त में फंस चुके हैं और ये नाम है संजीव भसीन का। ऐसे कई मौके रहे होंगे जब आपने इन्हें टीवी पे देखा होगा या इनके रिकमेंडेशन से शायद शेयर भी खरीदा होगा। अगर आपने भी कभी इनकी सलाह पे शेयर खरीदा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम आपको ये बताएंगे कि आखिर संजीव भसीन ने ऐसा क्या किया कि सेबी उनकी जांच कर रहा है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि शेयर बाजार में एक कथित हेरफेर के मामले में सेबी अब संजीव भसीन के रोल की जाँच कर रहा है। कुछ सूत्रों से मनी कंट्रोल को इस बारे में पता चला है। संजीव भसीन IIFL सिक्योरिटीज के साथ भी जुड़े रहे हैं। सेबी ने जांच के लिए संजीव भसीन के डिजिटल डिवाइस यानी कि उनका लैपटॉप और फोन भी जब्त किया है और कुछ सबूत जुटाए हैं। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए भसीन को जब मनी कंट्रोल की तरफ से एक मेल भेजी गई तो इस खबर को लिखने तक उनका कोई जवाब नहीं आया था। वहीं दूसरी तरफ जब IIFL सिक्योरिटीज से बात की गई तो उसने बताया कि भसीन उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर नहीं थे। कंपनी के साथ उनका कार्यकाल तय समय से पहले ही खत्म कर दिया गया। IIFL सिक्योरिटीज ने इस मामले में बाकायदा एक बयान भी जारी किया है। इस बयान में IIFL सिक्योरिटीज ने कहा है कि संजीव भसीन IIFL सिक्योरिटीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे सलाहकार के तौर पे जुड़े थे। उनका कार्यकाल 30 जून 2024 को खत्म होना था लेकिन हेल्थ से जुड़ी दिक्कतों की वजह से भसीन का कॉन्ट्रैक्ट 17 जून 2024 को ही खत्म कर दिया गया। भसीन ने हमें सेबी की जांच के बारे में बताया था लेकिन इसके बारे में कोई डिटेल जानकारी नहीं दी थी, इसलिए हम इस मामले में फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। और साथ ही कंपनी ने ये भी कहा है कि कृपया इस बात का भी ध्यान रखें कि संजीव भसीन IIFL सिक्योरिटीज या इस ग्रुप की किसी भी दूसरी कंपनी या सहयोगी फर्म के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर नहीं थे। भसीन देश के बिजनेस टीवी चैनलों का एक जाना पहचाना चेहरा है जहां वे शेयरों को लेकर अपनी राय और मार्केट के सेंटिमेंट पे चर्चा करते हैं। अब जान लीजिए कि भसीन किस तरह मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे थे। हालांकि अभी तक ये जांच में निकल कर नहीं आया है लेकिन सेबी इसी बात की जांच कर रहा है। भसीन पहले अपनी एक निजी कंपनी को कुछ शेयर खरीदने का निर्देश देते थे, फिर वो टीवी पर आकर दर्शकों के सामने उन्हीं शेयरों की सिफारिश करते थे। जब शेयरों में रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ जाती थी और उसकी कीमत ऊपर चली जाती थी तो फिर वो निजी कंपनी इन शेयरों को बेचकर निकल जाती थी। शेयर बाजार की भाषा में इस तरह के मामलों को पंप एंड डंप स्कीम कहा जाता है। जांच में भसीन और इस निजी कंपनी के बीच संबंधों की भी जांच की जा रही है। दो सूत्रों ने बताया कि पिछले कुछ साल के भसीन के डिजिटल रिकॉर्ड से सेबी को उनके हाथ होने के सबूत मिले हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो संजीव भसीन ने पिछले कुछ दिनों से अपना टीवी प्रेजेंस घटा दिया है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पे वो अपने उन फॉलोअर्स के ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें स्टॉक रिकमेंडेशन पे थैंक यू कहा है। 15 जून के बाद से ही लगातार सोशल मीडिया पे इस तरह के कॉमेंट भी दिख रहे हैं कि वो टीवी पे क्यों नहीं नजर आ रहे हैं। सूत्रों का मानना है कि यही वो टाइम था जब सेबी ने संजीव भसीन पे अपनी सख्ती बढ़ाई थी। सेबी कुछ समय से उन मार्केट एक्सपर्ट्स की नकेल कस रहा है जो मीडिया प्लेटफॉर्म खास तौर पे टीवी चैनल के जरिए स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। संजीव भसीन के दोषी पाए जाने पे सेबी उन पे कड़ी कार्रवाई कर सकता है। इस मामले से जुड़े कानून के बारे में बात करते हुए सोलोमन एंड कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर एरोन सोलोमन ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक तौर पे किसी शेयर की सिफारिश करता है या उन पर अपनी राय देता है तो उसे सेबी के रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन का पालन करना होता है। सेबी के नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अगर मार्केट एक्सपर्ट्स या गेस्ट के तौर पे किसी शेयर को खरीदने या बेचने की सलाह देता है तो उसे 30 दिन पहले और 5 दिन बाद तक उस शेयर में खुद कोई ट्रेड नहीं ले सकता। इसके अलावा उन्हें अपना नाम, रजिस्ट्रेशन स्टेटस और जिस कंपनी के शेयर सजेस्ट किए हैं उस कंपनी में किसी तरह का कोई निजी फायदा हो रहा हो तो उसकी भी जानकारी सार्वजनिक करनी पड़ती है। सोलोमन ने बताया कि अगर कोई मार्केट एक्सपर्ट नियमों को तोड़ता है तो उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है और ये पेनल्टी कम से कम 5 लाख रुपए होगी, जबकि मैक्सिमम ये पेनल्टी 25 करोड़ रुपए या शेयर मैनिपुलेशन से बनाए गए प्रॉफिट के 3 गुने यानी कि इन दोनों में जो भी ज्यादा हो उतनी हो सकती है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगा हम उसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इसके लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े जिसका लिंक नीचे कॉमेंट बॉक्स में दिया गया है।